साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। एक बार पुनः आप सभी के बीच 69,000 शिक्षक भर्ती एक आदेश जारी हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभी वो आदेश क्या है हम आपके बीच में रखेंगे। 7 जुलाई का ये आज का ही आदेश है, अभी अपलोड हुआ है तो हमने आपके बीच में रखना ज़रूरी समझा। तो आइए जुड़िए और देखते हैं क्या है आदेश। 2 मिनट का आपका समय मैं चाहूँगा। हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं देखें इस आदेश को। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद सभी जनपुरों के लिए है। यहाँ पे देखेंगे शिक्षक भर्ती 2019 और डेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी 7 जुलाई 2022। और ये किस लिए है इसको देखिए। शिक्षक भर्ती 69,000 के अंतर्गत चयनित शिक्षकों के अवशेष देयक के भुगतान के संबंध में, यानी कि अभी तक वो अध्यापक जिनका देयक जो है मिल नहीं पाया है, देयक मतलब आप समझ रहे होंगे एरियर जो बनता है, वो अभी तक जिनका नहीं बना है उनके लिए उनका डाटा जो है मांग लिया गया है। और वो डाटा इस फॉर्मेट में मांगा गया हर एक जनपद से, और जनपद में कार्य भार ग्रहण करने वाले सभी अध्यापकों की संख्या, अध्यापकों की संख्या जिनका अवशेष देयक भुगतान हो चुका है और जिनका अभी लंबित है, इस फॉर्मेट में जो है मांगा गया, यानी जिन्होंने एरियर पा चुका है और जिनका एरियर अभी नहीं मिला है उनका एक रिकॉर्ड मांगा गया है, ताकि जिनका एरियर नहीं मिल सका अभी तक उनका एरियर जो है उन तक पहुंचाया जाए, उनके अकाउंट में डाला जाए, इसके लिए जो वेरिफिकेशन के लिए ये चीज़ें मांगी गई हैं। तो एक आदेश है 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हमारे सभी शिक्षक साथियों का। तो मिलता रहूँगी इसी प्रकार के आदेशों के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।